हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोटोरोला ने अपने अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था एक महीने पहले, मोटो G34 5G। 11,000 में दोस्तों बहुत ही मतलब तगड़ा स्मार्टफोन है ये, और काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आया। इसी के साथ दोस्तों अब जो है एक मतलब ये तो एक महीने पहले आया था, और फिर मोटो ने एक G24 Power लॉन्च कर दिया अभी एक आध हफ्ते पहले ही, और ये आपको और भी सस्ता मिल जाता है दोस्तों 9,000 का। अब इसके अंदर जो है दोस्तों फीचर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन ये 4G स्मार्टफोन है, ये 5G स्मार्टफोन है। तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो वैसे मैंने कंपैरिजन भी बनाया तो आपने देखा होगा जरूर दोस्तों चैनल के ऊपर। लेकिन दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर जो है ज्यादा बेटर आपको मोटो G34 मिल जाता है। इसका प्राइस भी 2,000 रुपए ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये ज्यादा बेटर भी होगा। लेकिन अब एक और स्मार्टफोन मोटोरोला लॉन्च करने वाला है, मोटो G04। तो दोस्तों पहले जो है G34, फिर 24, अब आ रहा है दोस्तों G04। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको जो है मोटोरोला के इन दो डिवाइसेस में से कोई सा खरीद लेना चाहिए या फिर उसके लिए वेट करना चाहिए अगर आप एक दोस्तों मोटो का फोन लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई सा भी बजट फोन, क्योंकि उसका जो प्राइस रहने वाला है वो भी 10,000 के अंदर ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे वो स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, और आपको जो इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए, 04, 24 या 34। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वो स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग की भी और कंपैरिजन की पूरी वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करें डिजाइन के बारे में, तो इसके अंदर आपको जैसे दो कैमरे दिए गए हैं ऊपर नीचे, वैसे ही आपको जो है G24 में मिल जाते हैं ऊपर नीचे दो कैमरे, और इसी तरीके से दोस्तों मोटो G04 के अंदर आपको कैमरे का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई ऐसा मेजर फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, उसके अंदर आपको और दो कलर्स न्यू देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसका कलर काफी यूनिक आया था और फिर जो इसके अंदर सिल्वर कलर काफी यूनिक आ गया, और उसके अंदर आपको जो है दो कलर्स और नए अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो उसके अंदर चार कलर्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो अगर थोड़ा सा कलर आपको चूज करना ज्यादा पसंद है, आपको फोन का कलर बहुत मैटर करता है, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा कलर बेटर मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर लेदर फिनिशमेंट डिजाइन की क्वालिटी है, और इसमें मिलती है दोस्तों प्लास्टिक की टाइप की G24 में, तो जो है दोस्तों क्वालिटी तो अभी भी जो है बढ़िया अवेलेबल ही है। अगर प्लास्टिक चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं, और जो है आपको लेदर फिनिशमेंट डिजाइन चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। बात करें दोस्तों प्राइस के बारे में, तो ये आपको 11,000, ये 9,000, और जो है दोस्तों G04 आपको हो सकता है 8,000 के आसपास देखने को मिल जाए, जैसे उसकी स्पेसिफिकेशन जो है लीक हुई है दोस्तों। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी प्राइसिंग आपको सबसे कम ही देखने को मिलेगी, और नाम में भी वो सबसे छोटा ही है, पहले 04 आता है फिर 24 फिर 34, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका प्राइस सबसे कम रहेगा दोस्तों। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 4 128 और 8 128 वाले वेरिएंट्स मिल जाते हैं, मतलब 4GB दोनों के अंदर मिल जाती है, 128GB स्टोरेज आपको बाय डिफॉल्ट ही मिलती है, और 8 128 भी दोनों में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको जो है 4GB 64GB मिल जाएगा और 8 128 भी मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको उसमें अवेलेबल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आपको जो उसके अंदर 4 64 का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको इन दोनों में नहीं मिलता। तो ये चीज तो मतलब खैर इन दोनों में बढ़िया है, क्योंकि स्टोरेज कम से कम 128GB तो होनी चाहिए, तो वो चीज आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि उसमें आपको बाय मतलब जो आपको बेस वेरिएंट मिलेगा उसके अंदर जो 128GB नहीं मिलेगी, 64GB मिलेगी, तो इस चीज का फर्क है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो ये G24 पावर जो है 6000mAh बैटरी के साथ आता है, और ये मिलता है दोस्तों आपको 5000mAh बैटरी के साथ। लेकिन इसके साथ है दोस्तों 33W का फास्ट चार्जर, वो भी बॉक्स के अंदर, और इसके साथ मिलता है दोस्तों आपको 20W का चार्जर। तो इसके अंदर आपको बैटरी और चार्जर ज्यादा बढ़िया मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको जो है दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, और हो सकता है चार्जर 20W का हो या फिर जो है 33W का तो नहीं हो सकता, तो वो चीज देखने को मिलती है दोस्तों। चार्जर और बैटरी तो आपको G24 में बढ़िया देखने को मिलती है, तो दोस्तों उसके अंदर आपको जो है बैटरी को लेकर भी वो नॉर्मल टाइप का मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों सबसे मेन चीज प्रोसेसर को लेकर, देखिए इसके अंदर आपको जो है ना इन दोनों फोन्स में जो आपको प्रोसेसर मिलता है, G34 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695 और G24 में मिलता है दोस्तों आपको मीडियाटेक का G85। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना G34 सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाती है, प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है। और G04 के अंदर जो अब लॉन्च होने वाला है दोस्तों, उसके अंदर भी आपको यूनिसॉक का टाइगर T606 प्रोसेसर मिलता है, तो उसके अंदर भी आपको जो है ना मतलब नॉर्मल टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इतना बढ़िया प्रोसेसर नहीं मिलता जितना आपको जो है G34 के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको जैसा परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया चाहिए, तो G34 जो है दोस्तों ज्यादा बढ़िया, सबसे टॉप पे यही है। 11,000 में इसके अंदर आपको जो है परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाती है इन दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में, एक इसके और एक जो लॉन्च होने वाला है G04। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो है डिस्प्ले में, आपको रिफ्रेश रेट किसमें ज्यादा बढ़िया मिलता है, और जो है दोस्तों आपको 4G 5G का सपोर्ट, तो देखिए दोस्तों ये तो 5G फोन है G34, ये भी 4G फोन है, और जो लॉन्च होने वाला है वो भी दोस्तों आपको 4G मिलेगा, 5G वो भी नहीं है। तो ऐसा आपको जो है दोस्तों देखने को मिलता है, ये 5G फोन है, तो ये चीज आपको सबसे बढ़िया इसी में देखने को मिलती है दोस्तों, ये 5G है। तो अगर आपको 5G फोन अपने लिए लेना है तो उसके लिए वेट करना आपके लिए मतलब बेकार ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको 4G का ही सपोर्ट मिलता है, 5G तो नहीं है वो। और दोस्तों डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट की बात करें, तो इसके अंदर आपको 90Hz का दिया गया है G24 में, उसके अंदर भी आपको जो है दोस्तों 90Hz का ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों G34 में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो स्मूथनेस जो इसके अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया यूज करने की। और दोस्तों डिस्प्ले जो है इसके अंदर 11,000 में HD+ मिलती है IPS,
इसमें भी 9000 में एचडी प्लस ही मिलती है, तो उसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है एचडी प्लस ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका प्राइस तो और भी कम होने वाला है, मतलब 1500 रुपए कम ही होगा या फिर 9000 का भी आ गया इसके रेट के आसपास, तो भी कोई मतलब इतना खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है दोस्तों वैसे वो आपको कलर्स वगैरह काफी बढ़िया मिलते हैं, तो वो चीज को आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो है दोस्तों फुल एचडी प्लस डिस्प्ले अगर हो जाए उसके अंदर तो काफी बढ़िया रहेगा, जो कि मेरी उम्मीद में तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी जब 11000 में एचडी प्लस डिस्प्ले तो उसमें तो और कम प्राइस में क्या ही होगी। इसी के साथ दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है दोस्तों जो आपको यूजर इंटरफेस मिलता है ना वो तो बहुत ही कमाल का है, तो एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर भी काफी चलाने में बढ़िया ही मिल जाएगा, एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफी क्लीन यूआई आपको इन दोनों फोन्स में भी मिल जाता है, उसके अंदर भी आपको ऐसे यूजर इंटरफेस काफी बढ़िया मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी, तो आपको एड्स वगैरह की कोई भी झंझट नहीं होगी, फालतू की एप्लीकेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो चीज आपको उसके अंदर भी काफी बढ़िया मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए अगर आपका जो है बजट 9-10 हजार के आसपास है ना तो आप G34 5G लीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक तो 5G है ये और दूसरा जो है दोस्तों इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बाकी फीचर्स भी इसमें क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा फर्क ये 5G फोन है और प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो बैटरी चार्जर तो इसके साथ बहुत कमाल के 6000 एमएएच की बैटरी और 33 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर, वो भी सिर्फ 9000 में, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपके मतलब थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम है ना, जैसे 8-9 हजार तक, 8.5 हजार तक ही आपका बजट है, उससे ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, बहुत ज्यादा बजट टाइट है, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। और उस बजट में और दूसरे स्मार्टफोन्स भी आते हैं जिनका मैं जो है कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा उसके साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके दोस्तों आपको मोटो का G04 ज्यादा आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप वेट करेंगे या फिर G24 या G34, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो उसको एक लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हेल्पफुल लगी वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।